जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। मैं दिनेश श्रीवास्तव। फिल्म इंडस्ट्री में वो फैशन डिजाइनर है। प्रोग्राम हम लोग विगत 39 साल से करते आ रहे हैं। 39 साल से करते आ रहे हैं। 40वां साल है हम लोग का प्रोग्राम। आज 13 तारीख होने वाली हिंदी देशभक्ति प्रतियोगिता करते हैं हम लोग। 15 अगस्त के पहले दो एक दिन पहले करते हैं हर एक साल। विगत 2 साल से प्रोग्राम हुआ नहीं है कोविड के चलते। इस बार बृहत कार्यक्रम हो रहा है, इसमें कि 25 से 30 स्कूली बच्चे लोग हम लोग के यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने कन्फर्म किया है माइकल जॉन एडिटोरियम में 2:30 बजे 13 तारीख को 2:30 बजे से रजिस्ट्रेशन चालू होगा, जो कि करीब करीब 8-9 बजे तक 10 बजे तक चलेगा प्रोग्राम। इसमें हमारे मुख्य अतिथि है विद्युत वरण महतो जी, हमारे सांसद हैं। उसके बाद विशिष्ट अतिथि में है SP चतुर्वेदी जो ये हैं, यहाँ के हमारे चेयरमैन। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, हमारा जायंट्स ग्रुप ऑफ जमशेदपुर विशुद्ध इंडियन NGO है, जिसकी हेड ऑफिस मुंबई में है। और इस हम लोग विगत 39 साल से देशभक्ति प्रतियोगिता गीत का प्रोग्राम करते हैं माइकल जॉन एडिटोरियम में। ये हमारा 13 अगस्त को हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है। 2:30 बजे से हमारा रजिस्ट्रेशन होगा और 3:30 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाएगा, जिसमें कि सभी स्कूल के बच्चे देशभक्ति गाना ही गाएंगे। हर एक स्कूल को 2 गाना गाने का परमिशन मिला गया है और जो उसमें विजेता होंगे उनको हम लोग प्राइज देंगे। हमारे चीफ गेस्ट में हमारे आपके विद्युत वरण महतो जी सांसद आ रहे हैं। वो करीब 5:30-5 बजे के आसपास आएंगे। उनके द्वारा सब पुरस्कार वितरण होगा। विशिष्ट अतिथि में हमारे वर्ल्ड चेयरमैन के आ रहे हैं, मिस्टर चतुर्वेदी करके आ रहे हैं, वो मथुरा से आ रहे हैं। एक सेंट्रल के मेंबर आ रहे हैं हमारे, वो कपूर साहब, वो रांची से आ रहे हैं। और यहाँ जमशेदपुर में मैं इस संस्था का अध्यक्ष आपके सुभाष, मेरा नाम सतीश कुमार सिंह हुआ, ये सुभाष मुनका हो गए, DA यहाँ के हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। लिखरा जी के चेयरमैनशिप में प्रोग्राम हो रहा है, शंकर लिखरा के जी के इधर से हो रहा है उनका। ये मिस्टर मित्तल साहब हैं, KL मित्तल साहब हैं, ये भी बहुत पुराने मेंबर रहे हुए हैं। इधर में आपको मिसेज उमा गांधी हैं और मिस्टर दीपक गांधी, जो कि लास्ट ईयर पहले इसके पहले पूर्व में वो अध्यक्ष थे यहाँ पर। उसके बाद आपके मुजुमदार साहब हैं और MP दुबे हैं, सतीश खंडेलवाल हैं। आज हम लोग इसी के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और बच्चे भी तो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। देखिए जनरली हम लोग और अच्छे से उसमें उसको ऑर्गेनाइज कर सके, इसलिए ज़्यादातर जो है 25 से 30 ही स्कूलों को पार्टिसिपेंट के लिए हम सेलेक्ट करते हैं। और ये कहा जाता है कि रखा जाता है नियम कि जो पहले आएगा पहले पाएगा। इसमें जैसे आपको बताया गया, एक एक स्कूल में एक टीम होती है, वो अपने ड्रेस में आएंगे स्कूल के और 2 गीत गाएंगे। उसके साथ में ये बाध्यता है कि वो कोई भी फिल्मी गाना नहीं गाएंगे, हिंदी विशुद्ध हिंदी देशभक्ति गीत प्रतियोगिता उस पर गाएंगे। और ये इसलिए रखा गया कि जैसा आप देखते हैं आज के समाज में कैसे विघटनकारी तत्व काम कर रहे हैं, कैसे हमारी मानसिकता चेंज हो रही है, हम अपने देश के प्रति प्रेम रखें, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखें और कैसे सौहार्दपूर्ण भाव में जो है हम समाज में रह सकें, इसको जागृत करने के लिए जो है यह प्रतियोगिता स्टार्ट की गई थी। और ये चीज़ जो है अगर हम आने वाली पीढ़ी में शुरू से ही स्टार्ट कर देते हैं तो इसका जो है हमें जो है कहना चाहिए परिणाम जब हम बड़े होते हैं समाज के एक अच्छे नागरिक के रूप में मिलता है। हाँ, उनको दिया जाता है। हम लोग पहले जो है 1st, 2nd, 3rd और 4th काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी ट्रॉफी रखते हैं, वो देते हैं, रनिंग ट्रॉफी है। और 1st को जो है गोल्ड मेडल देते हैं जो टीम आती है, 2nd को सिल्वर मेडल टीम दी जाती है, 3rd को जो है ब्रॉन्ज मेडल और 4th जो है संतना पुरस्कार। लेकिन इस बार हम लोगों ने
एक अलग से ट्रॉफी की है जो सर्वश्रेष्ठ उसमें दी जाएगी, यानी सभी जो भी क्षेत्र में वो अच्छा काम करेंगे, अच्छा गाएंगे, अच्छा प्रस्तुत करेंगे, अच्छी ड्रेस में डिसिप्लिन के अंदर, तो उनके लिए हमारा जो सबसे पहले इस प्रतियोगिता को स्टार्ट किया था फाउंडर संस्थापक डॉक्टर टी जी मुखर्जी, उनकी स्मृति में एक ट्रॉफी दी गई। ये जायंट ग्रुप, आप देखिए जायंट्स ग्रुप ऑफ जमशेदपुर नाम से तो आपको ऐसा मालूम है, लेकिन ये जायंत अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो कि विशुद्ध अपने भारत में जो है पैदा हुई है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जितनी भी संस्था भारत के अंदर काम कर रही हैं वो उनका ओरिजिन वो कहीं ना कहीं फॉरेन से है और वो लाया गया है यहाँ, जैसे लायंस है, रोटरी है, ये इनका मुख्यालय वहाँ है, लेकिन ये ऐसी पहली संस्था है जो यहाँ के जरूरत के हिसाब से और भारत में ही बना है। इसका मुख्यालय बम्बई में है। फाउंडर कौन थे? फाउंडर इसके थे नाना चुदासमा, जो अभी नहीं वर्ल्ड चेयरमैन थे, अभी जो है साइना एनसी वो है वर्ल्ड चेयरमैन। मुंबई में, हाँ ठीक है, धन्यवाद। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।